नवरात्रि के अवसर पर सलकनपुर में स्थित माता बिजासन के दर्शन करने लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। कोरोना को देखते हुए इस वर्ष प्रशासन की गाइडलाइन के तहत भक्तों को माता के दर्शन कराए जा रहे हैं। मान्यता रही है कि माता के दर्शन मात्र से कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान बिजासन देवी को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। देवी माँ का यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर दूर है। विजयासन देवी पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है। उन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विजयासन देवी को कई लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। माता कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद देती हैं, वहीं भक्तों की सूनी गोद भी भरती हैं। भक्तों की श्रद्धा है कि इस देवी धाम का महत्व किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। भक्त कहते हैं कि एक मंदिर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिल जाता है। माता रानी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट हरने सहित सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के बीच शासन ने नवरात्र पर्व के दौरान गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं को आने जाने की इजाजत दी है। नवरात्र के आरंभ होते ही भक्तों का यहाँ तांता लगना शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालु माता के दर्शन दूर से ही कर पाएंगे। इस दौरान मंदिर में घंटी बजाने, फूल प्रसाद चढ़ाने और तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कि आज सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी एकत्रित हुए इस चीज़ को देखने के लिए कि कोरोना काल में नवरात्रि पर्व पर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उन दर्शनार्थियों को जो सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं अपन कर सकते हैं। तो यही डिसीजन हुआ है कि छुट्टी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन या पंचमी वाले दिन नवरात्रि पर्व पर जैसे जैसे श्रद्धालु आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो, कोरोना का संक्रमण ना फैले, उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो तैयारियां करी जा रही थी उन तैयारियों का एक जायजा भी लिया गया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश शासन ने भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊपर से जो गाइडलाइन मिली है उसके अंतर्गत मंदिर व्यवस्थाओं में दर्शन की जो व्यवस्था है वो पंक्तिबद्ध तरीके से 20-25 लोगों को वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है, सारी जाँच के बाद उनको मंदिर में हाल से सुंदर तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। नवरात्रि को लेकर हम पिछले 7 दिन से यहाँ सक्रिय हैं। हमने सारे वो पॉइंट देखे जहाँ भीड़ हो सकती है, जहाँ पर भीड़ आपाधी मिल सकती है, जहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा हमने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त बल मांगा था, बल हमें पूरा प्राप्त हो चुका है जी। आज की तारीख में हमने 410 यहाँ पर आदमी लगाए हैं अधिकारी सहित जी, और इसमें QRF STF और जिला बल है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।